जय श्री कृष्ण। मैं ओम यादव, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आजकल हमारे देश के अंदर इतिहास की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। एक ज़माना हुआ करता था जब इतिहास की जानकारी इतिहासकार दिया करते थे या इतिहास की किताबों से मालूम चला करती थी, इंटेलेक्चुअल से मालूम चला करती थी। लेकिन आज हम दोस्तों एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर इतिहास की जानकारी बीजेपी के छुट भैया नेताओं के द्वारा दी जा रही है। गोदी मीडिया और दलाल मीडिया के जो पत्तलकार हैं उनके स्टूडियो में इतिहास की जानकारी दी जा रही है। और जो ये कराची गुड़ के कुछ भड़वे और दलाल कलाकार हैं जैसे कि कंगना रंडावत, विवेक अग्निहोत्री और गुटका कुमार यानी अक्षय कुमार जैसे लोग जिन्होंने खुद 10वीं से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, ये लोग अपनी फिल्मों के ज़रिए देश की जनता को इतिहास की जानकारी देने का काम कर रहे हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे दोस्तों कि आजकल पृथ्वीराज चौहान फिल्म की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और ये जो गुटका कुमार है, अक्षय कुमार, ये रोज़ किसी न किसी टीवी चैनल के अंदर पहुंच जाता है और ये बताने की कोशिश करता है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेकर पहुँच जाता है और ये बताने की कोशिश करता है कि कैसे पूरी की पूरी एनसीईआरटी किताब में सिर्फ मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया है, हमारे हिंदू राजाओं का इतिहास तो पढ़ाया ही नहीं गया है। इस प्रकार की चीज़ें तमाम बीजेपी के लोग, तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार और इस जैसे जो भड़वे कलाकार हैं ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस बात को मानता हूँ, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि हमारी जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं और जितने भी इतिहास है उसमें अधिकांश हमें मुगलों के इतिहास के बारे में पढ़ाया गया है। और दूसरे नंबर पर अगर किसी के बारे में पढ़ाया गया है तो वो जो मुगलों के रिश्तेदार राजपूत राजा थे उनके बारे में पढ़ाया गया है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे राजपूत राजा ऐसे भी थे जिन्होंने मुगलों से लोहा लेने का काम भी किया था, उन्होंने मुगलों के साथ रिश्तेदारियाँ नहीं की थी। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे राजा थे जिनकी रिश्तेदारियाँ मुगलों से थी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मुगलों के रिश्तेदार थे। और इसीलिए मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इतिहास के पन्नों में और दूसरे नंबर पर अगर किसी के बारे में पढ़ाया गया है, दूसरे नंबर पर अगर किसी के बारे में जगह मिलती है तो मुगलों के रिश्तेदार राजपूत और राजाओं के बारे में पढ़ाया गया है। बहुत सारे लोग इस बात से खफा हो सकते हैं कि मैं इन्हें मुगलों का रिश्तेदार क्यों बता रहा हूँ, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इतिहास की किताबों को पढ़ने से आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि अनेक ऐसे राजपूत योद्धा थे, अनेक ऐसे राजपूत राजा थे जिन्होंने अपनी बेटियों का विवाह मुगल शासकों से किया था और दोनों के बीच में पारिवारिक वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। वहीं मुगलों ने भी अपनी बेटियों की शादी राजपूत राजाओं से की थी। और ये बात मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, एक टीवी कार्यक्रम के दौरान खुद राजपूत करनी सेना से आने वाले सूरजपाल अम्मू ने इस बात को स्वीकार किया था। उन्होंने उस टीवी डिबेट में साफ साफ कहा था कि कई ऐसे मुगल राजा थे जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी राजपूत राजाओं के साथ की थी। आप खुद वो वीडियो भी देख सकते हैं। हैदराबाद के निजाम की बेटी रूहानी बाई का विवाह राजा छत्रसाल के साथ हुआ और उसी रूहानी बाई की बेटी थी मस्तानी जिनका वाजी राव के साथ रिश्ता हुआ। आप हमसे पूछना चाहते हैं बप्पा रावल की 30 रानियां थी मुसलमान, हमसे पूछना चाहते हैं राणा सांगा की धर्मपति थी मेरुनीसा, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की जो वाइफ थी वो अकबर की बेटी थी शहजादी खानम। ये करणी सेना से आते हैं और करणी सेना के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। करणी सेना दावा करती है कि वो राजपूतों की एक संगठन है और राजपूतों के झंडा बरदार हैं। तो ये करणी सेना से आने वाले सूरजपाल अम्मू ये खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कई मुगल शासकों ने अपनी बेटियों की शादी राजपूत राजाओं से की थी और यही बात मैं भी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। दोनों के बीच में पारिवारिक वैवाहिक संबंध थे और जब दो परिवारों के बीच में पारिवारिक वैवाहिक संबंध हो जाते हैं तो वो दोनों आपस में रिश्तेदार कहलाते हैं और जब दो परिवारों के बीच में रिश्ता हो जाता है तो वो दूसरे परिवार के खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता है। आप खुद सोच कर देखिए, आपकी बहन की शादी अगर किसी के साथ हो जाती है
तो क्या आप उसके परिवार के खिलाफ कुछ गलत करने का सोच भी सकते हैं? जाहिर सी बात है, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। और यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही था। मुगल, जिनका शासन भारत के अधिकांश भूभाग के ऊपर था, अधिक संसाधनों के ऊपर उनका कब्जा था, इसीलिए उनके इतिहास को ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। वहीं राजपूत राजा मुगलों के रिश्तेदार हुआ करते थे, तो जाहिर सी बात है इसका फायदा उनको भी मिला और उन्होंने अपने इतिहास को भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमें इतिहास में महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ाया जाता है, और हमें ऐसा पढ़ाया जाता है महाराणा प्रताप जी के बारे में जैसे कि वो एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत महान राजा थे। लेकिन इतिहास पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा कि महाराणा प्रताप जी एक बेहद ही छोटे से भूभाग के राजा हुआ करते थे, एक छोटी सी रियासत के वो राजा थे। आप इतना मान के चलिए कि एक ज़िले के राजा वो हुआ करते थे। वहीं पर अकबर जो था वो दिल्ली की सल्तनत के ऊपर काबिज था, दिल्ली का राजा था, एक बहुत बड़े भूभाग के ऊपर अकबर का साम्राज्य था, और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, और इसीलिए उसने महाराणा प्रताप के पास ये संदेश भेजा था कि महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लें। जो भी अकबर की अधीनता को स्वीकार करता था, अकबर उसे मनसबदार बनाता था। ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने महाराणा प्रताप को 5000 मनसबदारी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने इसको ठुकरा दिया था। उनको इससे कहीं ज़्यादा चाहिए था, लेकिन इस पर दोनों के बीच में सहमति नहीं हो पाई थी, जिसके वजह से दोनों को युद्ध के मैदान में आना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये हिंदू मुसलमानों का युद्ध था, और ऐसा बताने की कोशिश की जाती है कि यह किसी धर्म युद्ध जैसा था। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि महाराणा प्रताप और अकबर जी के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये किसी धर्म युद्ध का युद्ध नहीं था। आपको बता दूं कि अकबर की तरफ से सेनापति अगर कोई था तो स्वयं महाराणा प्रताप जी के रिश्तेदार मान सिंह थे। मान सिंह की बहन की शादी एक अकबर से हुई थी और दूसरी बहन की शादी महाराणा प्रताप से हुई थी, तो दोनों आपस में रिश्तेदार थे। और महाराणा प्रताप जी से अकबर की तरफ से अगर कोई लड़ रहा था तो वो भी मान सिंह नाम का राजपूत ही लड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगर महाराणा प्रताप की तरफ से कोई लड़ रहा था तो एक मुसलमान लड़ रहा था। तो इसीलिए ये कहना कि दोनों के बीच में एक हिंदू मुसलमान का युद्ध था, यह अपने आप में सरासर गलत बात है। बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से मैं देखता हूँ ये बताने की कोशिश करते हैं कि महाराणा प्रताप जी इतने ज़्यादा महान थे कि अकबर का मुंह निकल जाता था महाराणा प्रताप के सामने, और अकबर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो महाराणा प्रताप के सामने युद्ध कर सके। दोस्तों, आप लोगों को सोचना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए। जैसा कि मैंने आप लोग बताया कि अकबर दिल्ली की सल्तनत के ऊपर काबिज था, उसके पास एक विशाल सेना थी, वहीं महाराणा प्रताप जी एक ज़िले के राजा हुआ करते थे, एक छोटी सी रियासत के राजा हुआ करते थे। एक छोटी सी रियासत के राजा के सामने लड़ने के लिए क्या राजा स्वयं कभी जाता है? ऐसा कभी भी नहीं होता है। छोटे आदमी से लड़ने के लिए राजा हमेशा अपनी सेना को ही भेजता है। जब हालात बिगड़ जाते हैं उसके बाद राजा स्वयं युद्ध के मैदान में जाता है। यहाँ पर भी ठीक ऐसा ही था। महाराणा प्रताप जी छोटी रियासत के राजा थे, इसीलिए अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को लड़ने के लिए उनके साथ भेजा था। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि महाराणा प्रताप जी एक छोटी सी रियासत के राजा होने के बावजूद इतिहास के पन्नों में हमें इस प्रकार से पढ़ाया गया जैसे कि मानो वो कितने बड़े राजा हुआ करते थे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि महाराणा प्रताप जी एक महान योद्धा थे। उन्हें महान योद्धा इसलिए माना जाता है कि एक छोटी सी रियासत का होने के बावजूद उन्होंने अकबर जैसी विशाल सेना का सामना डट कर किया था, पीछे नहीं हटे थे, और उन्होंने मजबूती के साथ मुकाबला करने का काम किया था। इसीलिए महाराणा प्रताप जी का सम्मान किया जाता है, इसीलिए उनको महान योद्धा बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत आप सोच कर देखिए, विजयनगर साम्राज्य इस देश का बहुत ही वैभवशाली साम्राज्य माना जाता है। जितने भी विदेशी यात्री भारत में आए थे उन सभी ने विजयनगर साम्राज्य की खूब तारीफ की है, उसके वैभव की इतनी ज़्यादा तारीफ की है जितनी ज़्यादा
किसी और राजा की कभी भी नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप जी की तुलना अगर विजयनगर साम्राज्य से की जाए तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर देखा जा सकता है। जहां महाराणा प्रताप एक छोटी सी रियासत के राजा थे, वहीं विजयनगर साम्राज्य एक बहुत बड़े भूभाग के ऊपर शासन करता था। लेकिन इतिहास के पन्नों में विजयनगर साम्राज्य को उस प्रकार से नहीं जगह दी गई जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी के बारे में हमें पढ़ाया गया। जानते हैं क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के राजा यादव समाज से संबंध रखते थे। उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया। चंद्रबरदाई जी की किताब के जरिए उनके इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि चंद्रबरदाई जी की जो किताब थी वो एक कपोल कल्पित घटनाओं के ऊपर आधारित थी। और आप लोगों को ये भी नहीं बताया गया कि यही पृथ्वीराज चौहान थे, इन पृथ्वीराज चौहान को 52 बार युद्ध में पराजित करने वाले आल्हा और उदल थे। इतने महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान को आल्हा उदल ने 52 बार युद्ध में पराजित कर दिया था और अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर इन्हीं पृथ्वीराज चौहान को जीवनदान देने का काम भी किया था। लेकिन आल्हा उदल के बारे में इतिहास के पन्नों में उस प्रकार से नहीं पढ़ाया जाता जिस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा इनके बारे में पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि आल्हा उदल का संबंध यादव समाज से था, यदुवंशी समाज से था। इस फिल्म के अंदर, पृथ्वीराज फिल्म के अंदर भी आल्हा उदल के इस शौर्य के बारे में नहीं बताया गया। हम समझ सकते हैं कि ये फिल्म पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है उनके शौर्य के बारे में ही बताया जाएगा। हो सकता है इसीलिए आल्हा उदल के इतिहास के बारे में नहीं बताया गया हो। मुझे इस बात से ज़्यादा आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति इस बात से है कि हिंदुओं में जो दूसरे समाज से संबंधित राजा थे उनके इतिहास को प्रमुखता से जगह क्यों नहीं दी गई। जैसे कि सूरजमल जाट जी थे, इतने महान योद्धा थे, लेकिन इनके बारे में भी इतिहास के पन्नों में उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया, उस तरीके से जगह नहीं दी गई जितनी अन्य राजपूत राजाओं के लिए दी गई। उदाहरण के लिए राणा सांगा का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। राणा सांगा को एक बहुत ही महान योद्धा के रूप में हम सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि बाबर जैसे आक्रांता को भारत में लाने वाला कोई और नहीं, यही राणा सांगा ही थे। राणा सांगा ने ही बाबर को भारत में आने का न्योता दिया था। और यहाँ पर भी ये बताया जाता है कि राणा सांगा और बाबर के बीच में एक धर्म युद्ध हुआ था। लेकिन दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि अगर ये लोग अपने धर्म को लेकर इतने ही ज़्यादा जागरूक होते थे, अपने धर्म को लेकर इतने ही ज़्यादा सीरियस होते थे, तो क्यों राणा सांगा ने एक इस्लामिक आतंकवादी बाबर को भारत में आने का न्योता दिया था। दरअसल इन लोगों को, इन राजाओं को धर्म से कोई भी लेना देना नहीं था, चाहे वो राजपूत राजा हों, चाहे वो इस्लाम के मानने वाले मुगल शासक हों। ना मुगलों को इस्लाम से कोई लेना देना था, न राजपूत राजाओं को हिंदू धर्म से कोई लेना देना था। इनको अगर किसी चीज़ से लेना देना था तो सिर्फ अपनी सत्ता से लेना देना था। ना तो ये धर्म के लिए लड़ाई लड़ते थे, ना तो ये देश के लिए लड़ाई लड़ते थे, ये केवल और केवल अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए ही लड़ाई लड़ते थे। क्योंकि उस समय देश की कोई कल्पना नहीं थी, एक छोटी छोटी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था और हर राजा अपनी उस रियासत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता था। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जैसे बीजेपी के लोग ये बताने की प्रयास कर रहे हैं कि अब इतिहास को नए सिरे से लिखा जाना चाहिए, वही बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि ज़रूर इतिहास को अब नए सिरे से लिखने की आवश्यकता है, जिसमें केवल मुगलों का और उनके रिश्तेदार राजपूत राजाओं का इतिहास नहीं होगा, जबकि हिंदू धर्म की जो दूसरी जातियाँ हैं उनमें भी अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया है और उनके इतिहास को भी प्रमुखता से अब जगह देनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर मैं यादव समाज से अपील करना चाहता हूँ कि अब आपको अपने इतिहास के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और आपको अपने इतिहास का प्रचार प्रसार चारों तरफ करना पड़ेगा। अपने समाज के तमाम युवाओं तक आपको अपने इतिहास को पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि ये जातिवादी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। ये लोग कभी भी आपके इतिहास को उस प्रकार से प्रचारित और प्रसारित नहीं करेंगे जितना ये मुगलों के रिश्तेदारों का इतिहास
प्रचारित और प्रसारित करेंगे। इसके पीछे बीजेपी की पॉलिटिक्स है जो हिंदू और मुसलमान के ऊपर बेस्ड है। जब ये लोग इस प्रकार की बात करेंगे तो राजनीतिक रूप से इन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन अगर ये लोग हिंदू धर्म के दूसरी जातियों के योद्धाओं के बारे में बात करेंगे तो इनके जो खुद के कोर वोटर्स हैं वो लोग नाराज हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करने का काम कीजिए और अपने इतिहास के प्रति अब आप लोगों को सजग होने की आवश्यकता है। आपसे मुलाकात करूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।